नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब। यूट्यूब चैनल टेक्निक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कैमरा रिव्यू कर रहा हूं रेडमी वाई वन का। और आपको बता दूं कि ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, हैंड हेल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं है। आप देख लेना कि इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो कैसी है, ये फेस पर एक्सपोजर कैसे एडजस्ट कर रहा है आप देख सकते हैं। और जब मैं चलूँगा आपको ऑब्जर्व करना है इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन, और मैं थोड़ा सा चलकर आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा 16 मेगापिक्सल का है f2.0 अपर्चर के साथ, और ये फुल एचडी तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप इस डिवाइस को लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैमरा के बारे में। अभी सन मेरे सीधा सामने है और आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर कितना अच्छा हो गया। एक चीज़, अगर लाइटनिंग अच्छी हो तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है। अभी हम दूसरे सैंपल शॉट्स भी देखते हैं। दोस्तों, जो आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये मैंने Redmi वाई वन के रियर फेसिंग कैमरा से लिए हैं। इस डिवाइस में आपको पीछे वाला कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है f2.2 अपर्चर के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो सेम इमेजेस क्यों लगाई हैं, एक बिना HDR के है और एक विद HDR के है। आप देख सकते हैं कि जो HDR वाली इमेज है उसमें कलर अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज इम्प्रूव हो गई है, कलर वाइब्रेंट लग रहे हैं, ओवरऑल इमेज बेटर लगती है। अगर इस डिवाइस की मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ की बात करूँ, इस बजट में इसकी फोकसिंग अच्छी है। Redmi 4 से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो इसके बोके शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छे से फोकस करता है अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी नज़दीक भी है। शार्पनेस पिक्चर में काफ़ी अच्छी है, कलर रिप्रोडक्शन हल्की सी येलोइश है, पर फिर भी मैं बोलूँगा बजट के अकॉर्डिंग अच्छी है। डिटेल भी पिक्चर में काफ़ी है, नेचुरल लगती है ओवरऑल। तो अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स की भी बात करें वहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस डिवाइस की लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी मिक्स्ड बैग है। कई बार ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि काफ़ी अच्छी इमेज ले लेता है, कई बार इसकी जो इमेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती है, कलर भी इधर उधर हो जाते हैं। अभी यहाँ पर आप इतने सैंपल देख रहे होंगे, किसी किसी इमेज में जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है और किसी में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है। ये ओवर एक्सपोज तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जैसा कि आपने मेरे कैमरे को देखा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि अगर आप इस डिवाइस से फोटोग्राफ्स जब लेते हैं, अगर आपके हैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है तो आप अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। कलर रिप्रोडक्शन लो लाइट में भी अच्छी है, नॉइस तो डेफिनेटली आएगी, f2.2 का अपर्चर है। ओवरऑल जो लो लाइट में परफॉर्मेंस है वो एवरेज सी है इसकी, पर मैं इससे इतना बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इस बजट में इसने लो लाइट को कंसिडर करते हुए अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, जो आप ये फुटेज देख रहे हैं, ये है Redmi वाई वन का रेयर फेसिंग कैमरा। ये फुल HD तक रिकॉर्ड कर पाएगा और 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, आप क्वालिटी देख सकते हैं। अब वीडियो के चलते हुए फ्लैश को अनेबल या डिसेबल नहीं कर पाएंगे, टैप टू फोकस आपको मिलता है, आप जो एक्सपोजर इंक्रीज या डिक्रीज आराम से कर पाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये HD पर सेट होता है, पर आप इसे फुल HD पर कर सकते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ तो आप वीडियो स्टेबलाइजेशन देख लेना कैसा है, तो अभी आपको फोकसिंग दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें कि जब मैं टैप करूँगा इस ऑब्जेक्ट पर तो ये फोकस कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, पर जब आप वैसे ही इसे पास में ले जाएंगे तो ये फोकस थोड़ा कम करता है। हालांकि इसका फोटो मोड में फोकसिंग काफ़ी अच्छा हो गया है, तो कुछ ऐसी है रेयर फेसिंग कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं आपके ने थॉट्स बाद में बताऊंगा अपने PC में डालकर। अब दोस्तों, अगर मैं इसकी सेल्फी कैमरे की बात करूं तो आपको 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, आपको एक LED फ्लैश भी मिलती है। यहाँ पर अगर आपके पास लाइटनिंग अच्छी है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ये काफ़ी वाइड कैमरा है Xiaomi की तरफ से, तो ये अच्छी बात है। कलर रिप्रोडक्शन अच्छी है, डायनेमिक रेंज थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, और इमेज जो है काफ़ी शार्प है, काफ़ी डिटेल है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से ये लोग कर सकते हैं। और अगर मैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करूँ लो लाइट में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ और काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि कंपेयर करूँ Redmi Note 4 या Redmi 4 से या MIA 1 से तो परफॉर्मेंस अच्छी है, पर जैसे इसे मार्केट किया गया था एक सेल्फी स्मार्टफोन, तो इतनी अच्छी नहीं है। पर बजट को कंसिडर करते हुए ये डिवाइस लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करता है, और LED फ्लैश आपका थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देती है। तो दोस्तों, ये है इसकी वीडियो क्वालिटी और कलर रिप्रोडक्शन इनडोर लाइटिंग कंडीशंस में। अभी जो है दो ट्यूबलाइट हैं, तो अभी मैं एक बंद कर देता हूँ,
तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या हम फ्लैश को अनेबल कर सकते हैं, तो मुझे तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। पर अगर आपके पास बहुत ही अच्छी लाइटनिंग सेटअप है तो इसकी मुझे अभी तक क्वालिटी अच्छी लगी है, पर जैसे ही वो कम होगा तो आप देख सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी में असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर इस कैमरा रिव्यू को मैं सम अप करूँ तो मैं रियर फेसिंग कैमरा की इमेज परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में इसमें काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस है, ये बोके इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से लेता है, तो इमेज क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लो लाइट में नॉइस आ जाती है, कलर रिप्रोडक्शन इधर उधर हो जाता है, पर वो बजट को कंसिडर करते हुए ठीक है। मुझे जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट है वो है रेयर कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग से 1080p पर कर सकता है, पर बहुत ही घटिया क्वालिटी की इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जी हाँ, मैं इसे घटिया क्वालिटी की बोल रहा हूँ। पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से इम्प्रूव करेंगे या नहीं, पर इसका ऑडियो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने 9,000 रुपया दिया है। वीवो या ओप्पो की तरह 20-25 हज़ार मैंने नहीं दिया है। उसके अकॉर्डिंग कैमरा काफ़ी वाइड है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, ओवरऑल डायनामिक रेंज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना चाहिए था, और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है, लो लाइटिंग कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप रेडमी का Y1 ले सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा में ये रेडमी नोट 4, रेडमी 4 एमआई के A1 से ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी अगर कोई भी कमेंट है, क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अगर आपने Redmi Y1 को परचेज करना है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।